नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आंध्र के अंदर से बहुत बच्चों श्रीमान के साथ आयोजित आज रंग वर्षा कार्यक्रम में अबीर गुलाल खाने इस अवसर पर बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक हास्य गान हास्य गीत व संगीत भजन कार्यक्रम की प्रस्तुति पर सभी लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ताज मिसेज इंडिया खादी 2022 विजेता डिंपल शुक्ला ने कहा कि दिव्यांग बच्चों से मेरी दिली इच्छा है। प्रतिभावान होते हैं। प्रारंभ में मुख्य अतिथि ने आईटी की आदमपुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर विद्यालय के बच्चों के बारे में बताया। अतिथियों का स्वागत आभार तक के प्रबंधक नीरज दुबे और संचालन अनिल सुवर्ण ने किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए विशेष पांडे बारे। क्योंकि मैं नीरज दुबे, मैं पहले तो श्रीमती डिंकल शुक्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे विद्यालय में आई और रंग वर्षा कार्यक्रम में भाग ली और मेरे दिव्यांग बच्चों के साथ संगीत का प्रोग्राम की। इनका नेचर जो है बहुत ही कोमल नेचर है। इनको अपने ये इतनी ऊंचे पद पे होते हुए भी बहुत सिंपल सी रहती हैं और हमारे अंध विद्यालय के बच्चों के लिए ये कभी भी चाहे जब भी मैंने इनको बुलाया है ये तुरंत चली आती हैं, क्योंकि इनका बच्चों के साथ बहुत लगाव है। ये बच्चों के कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहती हैं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, ये हमेशा यहाँ उपस्थित रहती हैं। इनके जैसा कोमल स्वभाव हमने आज तक नहीं देखा। विगत 25 वर्षों से मैं अंध विद्यालय में सेवारत हूँ, लेकिन ऐसी महिला जो कि मतलब इन बच्चों के प्रति इतनी उदारता प्रकट करती हैं हमारे सामने नहीं आई है कोई। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पूरे भारतवर्ष में होली के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो शराब और गाजा भांग का सेवन करते हैं, ये नशे के पदार्थ से दूर होके अच्छी खासी हम लोग की होली है, रंगों की होली है, रंग अबीर गुलाल का होली है। आप ये करिए और अपने घर में मिठाइयों का सेवन करिए, गुजिया का सेवन करिए, लेकिन ये नशों से दूर रहे। आजकल के बच्चे, आजकल के यंग बच्चे ज़्यादातर लोग नशे किया वो शौक पाल लिए हैं कि आज होली है तो पीना ही है। मैं उसके एकदम विरोध में हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यंग बच्चा जो मेरे भारत का भविष्य है वो अपना जीवन खराब करे। धन्यवाद सर। सर देखिए, ये जो मशान की होली है, अगर जहाँ तक मुझे अनुभव है ये बहुत पाषाण काल से चला आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। ये जो मशान की होली है ये सामान्य जन के लिए नहीं है। अगर आप पुराणों में जाएंगे तो ये केवल औघड़ लोग खेलते थे, न कि ये आम जनता खेलती थी। आजकल के जनता को केवल फैशन चाहिए, फैशन की वजह से ये मसानों की होली जो है ये इतना पॉपुलर कर दिए हैं। नहीं तो आज से 20 साल पहले कोई मसान की होली जानता नहीं था। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। यंग जनरेशन मेरे पुराने ढर्रे पे जा रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो उसमें असली